मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए। उन्होंने शिवपुरी में आपदा राहत की तैयारियों को लेकर शिवपुरी कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की। इसमें बुधवार को हुई लगातार वर्षा में शिवपुरी जिले के विभिन्न इलाकों में हुई क्षति की जानकारी ली गई और निर्देश दिए गए कि सर्वे जल्द कराएं और आपदा प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा प्रदान किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा अभी टीम अलर्ट मोड पर है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो पाए, जल भराव वाले स्थलों पर लोग न जाएं, यह अपील की है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जल भराव के कारण मच्छर जनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए जहां जल भराव के कारण अधिक प्रभावित एरिया है वहां हेल्थ कैंप लगाएं और लोगों का चेकअप करवाया जाए। शहरी क्षेत्र में भी सीएमओ नगरपालिका द्वारा दवा का छिड़काव कराया जाए। अतिवृष्टि के कारण कई गांव में विद्युत की समस्या भी आई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने और जहां कहीं लाइट के पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं इसका प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर के मुख्य चौराहों पर स्ट्रीट लाइट चालू रहना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा, इस प्रकार की आपदा प्राकृतिक है, इन्हें रोका नहीं जा सकता, परंतु आपदा में राहत एवं बचाव कार्य की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी राजस्व पुलिस का स्थानीय अमला सतर्क रहकर काम करे, कहीं भी कोई स्थिति खराब होती है तो उसकी तत्काल सूचना दी जाए जिससे वहां राहत एवं बचाव कार्य समय पर कराया जा सके। सबसे पहले तो आज आने का कारण आते वृष्टि के कारण यहां पे जो आमजन की तकलीफ समस्या कल माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और हमारे सम्मानीय नेता माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा कि अपने कोहार जिले में जाइए, आमजनों की समस्या सुनिए, उन समस्याओं का निराकरण। आज आने का मात्र उद्देश्य इंद्रगढ़ पंचायत में मंत्री जी एक पीएम आवास योजना के मकान को गिराया गया है, प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना तो अतिक्रमण बता के गिराया या अतिक्रमण था तो बनाया क्यों और बनाया तो फिर तोड़ा क्यों? मैं अभी ये संज्ञान में लेके अभी दूसरा शासकीय उत्कर्ष कन्या छात्रावास में वहाँ पर अधीक्षक द्वारा 8:30 बजे के 8 बजे के बाद में उनको क्या कहते हैं उनके पति को वहाँ बुलाकर कार्यक्रम का आयोजित कराया गया, जबकि ये नियमानुसार नहीं है, उस पर भी यहाँ कार्रवाई की जाती है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।